श्रावण मास के पहले सोमवार शाम तक 2700 से अधिक भक्तों ने ज्योतिर्लिंग भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन लाभ लिए। दर्शनों के पूर्व भक्तों ने ऑनलाइन बुकिंग करवाई थी। दर्शन हेतु ओंकारेश्वर पहुंचे भक्तों की यात्री सहायता केंद्र पर और मंदिर के पास थर्मल स्क्रीनिंग कर जांच की गई। मंदिर में प्रवेश से पूर्व दर्शनार्थियों के हाथ सैनिटाइजर से धुलवाए गए। पांव साफ करने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बनाए गए गोलों में मास्क पहने भक्तों ने ज्योतिर्लिंग से 25 फीट की दूरी पर सुखदेव मुनि गेट के बाहर से दर्शन किए। दर्शनार्थियों ने बताया कि यहां की व्यवस्था बहुत अच्छी है, हालांकि यात्रियों की कमी नजर आई। पंडित अंगद शर्मा ने बताया कि ब्राह्मणों को पूजन की अनुमति न होने से आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ब्राह्मणों को पूजा की अनुमति प्रदान की जाना चाहिए। यह कि आज सावन मास का पहला सोमवार है और यहाँ पे ब्राह्मण लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं है, ना कोई रोजगार है। तो ब्राह्मणों के लिए कुछ रोजगार दिया जाए और बड़ा संकट है ब्राह्मणों के लिए। यात्रियों को भी दर्शन दूर से हो रहे हैं, तो अपन के लिए कोई सुविधा नहीं है। तो अपने के ये इसमें कुछ सोचने वाली बात है कि हमारे लिए कोई रोजगार दिया जाए या फिर कुछ समस्या का समाधान निकाला जाए। SDM डॉक्टर ममता खेड़े ने बताया कि जो लोग ऑनलाइन बुकिंग करा रहे हैं, नगर में केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जाएगा, अन्यथा उन्हें वापस कर दिया जाएगा। ये प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जो जिला प्रशासन के निर्देश है उसके अकॉर्डिंग व्यवस्था है। जो लोग दर्शन की प्री बुकिंग से आ रहे हैं उनको नगर में प्रवेश दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त घाटों पर स्नान वगैरह कहीं इकट्ठा होना प्रतिबंधित है। कोई भंडारा नहीं होगा, कोई सामूहिक आयोजन नहीं होगा। सभी धार्मिक संस्थाएं, आश्रम और मंदिरों से हमारी चर्चा हुई है और वे लोग सब सहमत हैं। सहायक कार्यपालन अधिकारी अशोक महाजन ने बताया कि मंदिर की दर्शन व्यवस्था थर्मल स्क्रीनिंग जांच, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाकर सैनिटाइजर से हाथ धोकर ही की गई है। उसी का पारण भक्त जन कर रहे हैं। श्रावण मास प्रारम्भ हो गया है, आज प्रथम सोमवार है और मंदिर के नियमों के पालन करते हुए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग एवं पंजीयन करने के उपरांत ही दर्शन करवाए जा रहे हैं और 2000 श्रद्धालुओं को दर्शन कराने का लक्ष्य है। महासवारी समिति के प्रभारी आशीष दीक्षित ने बताया कि प्रशासन के निर्देशानुसार श्रावण मास में प्रथम सवारी 12 महीने के मार्ग से निकाली जाएगी, जो प्रति सोमवार निकाली जाती है। मंदिर से कोटी तीर्थ घाट पहुंचकर पूजा अर्चना होगी। नौक विहार कराने के बाद ओंकार घाट पर मुख्य बाजार होती हुई पालकी वापस मंदिर पहुंचेगी। ना गुलाल उड़ाई जाएगी, ना बैंड बाजे, ना ढोलक होंगे। एक ढोलक मात्र जो हर सोमवार को रहता है वही रहेगा। अधिक भीड़ भी नहीं होगी। दूर से दर्शन करने की अपील की गई है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान की महासवारी कैसे निकलेगी? सवारी, भगवान की सवारी 4 बजे मंदिर से निकल के कोटी तीर्थ घाट पे पूजन अभिषेक होके नौका विहार करके ओंकार घाट से मुख्य बाजार से मंदिर आई। सवारी में गुलाल वगैरह उड़ाया जाएगा? नहीं, गुलाल उलाल नहीं उड़ाया जाएगा। और कोई ढोल ढमाके बैंड बाजे नहीं? जो हर सोमवार इस प्रकार से निकलती है वैसे निकलती। नावे बंद हैं। नाविकों की भी मांग है कि उनके रोजगार पर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि अन्य सभी व्यवसाय शुरू हो चुके हैं। गरीब परिस्थिति के लोग हैं, उन्हें भी 5 सवारी बैठाकर घुमाने की अनुमति दी जाए। वहीं नागरिकों ने मांग की है कि जो श्रद्धालु बुकिंग के द्वारा आ रहे हैं उन्हें इच्छा अनुसार नर्मदा जी में स्नान करने की अनुमति भी दी जाना चाहिए। ओंकारेश्वर में बहुत घाट हैं, जहां जहां दूर दूर रहकर भी श्रद्धालु स्नान कर सकते हैं। स्थानीय लोगों को दर्शन की व्यवस्था के लिए 5 से 6 तक का समय निश्चित किया गया है, इसलिए आधार कार्ड जमा कराए जा रहे हैं। बाहर से हर साल आने वाले पंडित भी सुबह 5 से 6 के बीच में दर्शन कर सकते हैं, अपने बिल पत्र चढ़ा सकते हैं। उन्हें भी अपने आधार कार्ड जमा कराने होंगे। जय प्रकाश पुरोहित की रिपोर्ट।